चलो भाई। Hey everyone, what's going on? Sukhan Rai here and welcome back to another vlog. ये vlog थोड़ा अलग होने वाला है आज. मैंने सोचा मतलब मेरे दिमाग में यार काफी टाइम से चल ही रहा था कि इस जगह का vlog बनाते हैं, क्योंकि ये जो है जो मेरा schedule जो है दिन का उसमें लाइक दो घंटा 4 PM टू 6 PM के बीच में शाम के टाइम पे मैं वो जगह रोज जाता हूँ. एंड मेरे को लगा क्यों ना इसी जगह का vlog बनाते जाए, क्यों ना लोगों को भी जागरूक किया जाए कि यार रन करना चाहते हो, वॉक करना चाहते हो और कोई जगह आपके पास है नहीं, इफ दे वॉन्ट अ गुड स्पेस वेयर दे कैन यू नो गेट क्रिएटिव और साथ में काफी अच्छा एनवायरमेंट होता है, क्योंकि सब लोग फिटनेस के लिए आते हैं मोस्टली. वो अरोमा के साथ अगर आप लोग करोगे तो वेल काफी अच्छी जगह है वो आप लोगों के लिए. तो वेल अभी मैं अपनी साइकिल से जाने वाला हूँ, तो नीचे मिलता हूँ आपको पार्किंग में. ओके, तो यहाँ पर यार बहुत मेरे को पता है आप लोग को आवाज़ भी नहीं आ रही होगी और कष्ट बहुत होता है यहाँ पे, बिकॉज एक हाथ से मोबाइल पकड़ना होता है और एक हाथ से व्लॉगिंग करनी होती है. वेल यहाँ पे चौक आ चुका है, मेरे को बंद करनी होगी रिकॉर्डिंग. ओके वेल, तो यहाँ पे साइकिल गई है अपनी लग एंड मस्त यहाँ पे सेफली अपन ने साइकिल लगा दी है. तो मोस्टली अगर आप रेस कोर्स पे आओगे, अगर आपको जॉगिंग करने आना है, रेसिंग देखने आना है तो आप वहाँ से भी आ सकते हो, पर मोस्टली अगर आपको जॉगिंग करने आना है और एक्सरसाइज करने आना है तो द मेन गेट विल बी दिस वन ओनली गाइस. नहीं वहाँ टाइम तो लिखा हुआ पर मैं आपको बोल रहा हूँ आप नहीं आओगे. चलो कोई नहीं, बस आपसे बात ही करनी थी कि कितने बजे खुलता है रेस कोर्स वगैरह. चलेगा, मैं वहाँ देख लेता हूँ. ओके, तो अंकल ने बात करने से थोड़ा मना कर दिया, तो यहाँ पे टाइमिंग आप देख सकते हो. टाइमिंग मॉर्निंग 5:30 AM टू 8:30 AM है और 4:30 PM टू 7:30 PM. तो वेल इसके बीच में आप कभी भी आ सकते हो यहाँ पे. तो आप एंट्री ही करोगे ना गाइस, तो यहाँ पे इतना अच्छा आपको एकदम मतलब मेस्मराइजिंग व्यू मिलेगा. सो बेस्ट पार्ट ऑफ दिस इज गाइस कि आज धूप है, आज बारिश नहीं है, तो अल्टीमेटली इट्स अ विन विन फॉर मी. थोड़ा जल्दी आया है क्योंकि आप अगर पीक आवर्स में आओगे अराउंड 6 PM के दौरान तो आपको बहुत वहाँ पे क्या बोलते हैं अपना भीड़ बहुत खतरनाक वाली मिलती है. अबाउट 2.2 किलोमीटर्स का ट्रैक है यहाँ पे, आप चाहो तो यू कैन रन, यू कैन जॉग, यू कैन एक्सरसाइज एंड अल्टीमेटली लाइक जो सराउंडिंग्स भी आपको पूरी वो एनवायरनमेंट की जो फीलिंग है वो आपको मिलती है. एंड सेकेंडली यहाँ पे जितने भी लोग हैं सबका लाइक उतना ही है, एक्सरसाइज करने आना है, कुछ चेंज लाना है, तो आप वो इसमें आप भी आओगे तो आपका भी माइंडसेट वैसे दौड़ने लगेगा. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे रेस कोर्स तो बेसिकली इज फॉर रेसिंग ओनली, हॉर्स रेसिंग. यहाँ आप देखोगे यहाँ पे बैठ के स्पेक्टेटर्स देखते हैं एंड मोस्ट प्रोबेबली अगर आप सुबह मॉर्निंग में आते हो अराउंड 7:30 या 6 o'clock अगर आते हो आपको तो एकदम chaotic crowd मिलेगा यहाँ पे. एंड मोस्ट सर्टेनली यू विल फाइंड हॉर्सेज रनिंग ऑन दैट कॉर्नर ऑन दैट लाइन्स. ये जो ट्रैक है, जो सामने वाला ट्रैक है, दिस इज फॉर पेडेस्ट्री, मतलब जो लोग फिटनेस के लिए आए हैं बेसिकली. मैंने अराउंड डेढ़ दो महीने पहले इसका गूगल फिट जो आया था उस पर मैंने ट्रैक किया था एंड इट वॉज अराउंड कितना कहेंगे उसको 2.9 या 2 किलोमीटर्स कुछ एक्जैक्ट था, 2 किलोमीटर्स का ट्रैक था विच इज क्वाइट ग्रेट. जैसे कि आप देख सकते हैं घास वगैरह भी यहाँ की काटी जा रही है. मोस्टली जब कोई इवेंट होता है या कोई बड़ा यहाँ पे हॉर्स रेस होने वाली है पूरा वो लोग ट्रिम कर देते हैं वीड को, जो भी घास होती है इसको थोड़ा सजावट वगैरह कर देते हैं. यहाँ पे अभी मैं जहाँ पे चल रहा हूँ दिस इज ब्लैक सैंड, ये मोस्टली मतलब इसके आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज है. काफी लोग से मैंने सुना है कि अगर आप इस सैंड में चलोगे तो आपकी जो नीज है वो दर्द कम होंगे एंड आप ज्यादा ड्यूरेशन तक भाग सकते हो. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर आपको ट्रैक रखना है कि आप कितने मीटर पे पहुंचे हो बाकी, तो यहाँ पे द बेस्ट थिंग इज आपको मार्कर्स दिख जाएंगे गाइज. लाइक यू कैन सी उधर 800 का मार्कर है एंड दिस इज अबाउट 800 मीटर्स आपने कंप्लीट कर चुका है. ओके, तो मैं कैसे रेस कोर्स के बीच के स्पॉट में आ चुका हूँ जहाँ पर अगर आप देखते हो तो यार एकदम दिस इज द मिडल ऑफ द रेस कोर्स एंड यहाँ पे मस्त हवा चलती है, खाली रहता है यूजुअली. अगर कोई थक चुका है तो यहाँ पे वो रेस्ट ले सकता है. और आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस इन द स्टार्टिंग, ये है हेलीपैड, यू कैन प्ले फुटबॉल, यू कैन एक्सरसाइज, यू कैन डू सम कैलिस्थेनिक्स एंड स्टफ. ओके
सो एवरीवन, दिस वाज इट फॉर टुडेज वीडियो. वेल, दिस व्लॉग वाज शॉट बैक इन 2022 एंड अभी चल रहा है 2024. ये व्लॉग मैंने शूट किया था, इसके फाइल्स पता नहीं कहाँ चले गए, मैं भूल भी गया था कि मैंने ये व्लॉग शूट किया था. एंड अभी अचानक मेरी हार्ड ड्राइव में यहाँ पर चेक कर रहा था तो यहाँ पर दिखा मुझे कि ये व्लॉग पड़ा है, तो फटाफट मैंने सोचा एडिट कर लूँ. एंड वेल, इसकी जो आउटर फाइल थी वो शायद कहीं करप्ट हो गई है, बिकॉज मुझे वो कहीं पे मिल नहीं रही है. सो विच इज व्हाई एम शूटिंग दिस इंट्रो. नेक्स्ट व्लॉग जल्द से जल्द आएगा. आई नो इट्स बीन अराउंड एक मंथ का या टू मंथ का गैप हो गया, मैंने वीडियो नहीं डाला है. बट या थोड़ा एग्जाम्स वगैरह चल रहे थे तो आई कुडंट पोस्ट अ न्यू वीडियो. बट या अभी वीडियोज आएंगे, सो मेक श्योर यू Stay subscribed to my channel. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक्स फॉर वॉचिंग.